हमारा सफर नंदगांव से पावापुरी गौशाला होते हुए अभी आज माउंट आबू जा रहा है और हमारे नेता जी पूरे तैयार हो चुके हैं एकदम। माटा दी से पेड़ा दा राम जी सॉरी पेड़ा पूरी जी। बारिश की सीजन में पेड़ पौधे हरे होते हैं पर उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो हमने डिसीजन लिया कि इस मौसम में ही चलते हैं। वैसे धूप तो नहीं है पर पेड़ पौधे थोड़े हरे भरे कम हैं। पूरी वानर सेना बैठी है यहाँ हनुमान जी वाली। पानी है कौन है ले आजा। मजा आ गया रोड बीच में खाए एक बोल दे। एकदम शांत रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे ऑफ सीजन में अगर आप इस महीने में आते हो तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती और आप आराम से घूम सकते हो माउंट आबू में। और अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर 1 किलोमीटर है यहाँ से और ऊपर एयरफोर्स वालों का भी कुछ रडार लगा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ आते हो तो ड्रोन मत उड़ाना, कभी भी गलती से भी आपका ड्रोन मत उड़ाना, ड्रोन चला जाएगा, ड्रोन प्रतिबंधित एरिया। हाँ गुरु जी बोलिए। कैमरा लाओ इधर मैं दिखाता हूँ। ये हमारे ड्राइवर साहब है, ड्राइवर नहीं यूट्यूबर है जीपीराज। ये यूट्यूबर है जीपीराज और ये हमारे संत के सेले हैं। हमारे संत साहब पीछे सो रहे हैं। ये है गुरु शिखर, यहाँ है पार्किंग, यहाँ पार्किंग बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं है पार्किंग का। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर की मेन चोटी पर और यहाँ पीछे पूरा है जो बंद है, पीछे नहीं जाने देते हैं। और इस साइड में मंदिर है और यहाँ से जाना पड़ेगा, पर एक फ़ायदा है नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर है भाई, इतने ऊपर आए फिर भी यहाँ पे कोई भी सिम हो नेटवर्क एकदम सही पकड़ता है। गुरु शिखर मंदिर से थोड़ा पहले कुछ दुकानदार है, वो ज़बरदस्ती वहाँ गाड़ियों को रुकवाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, पार्किंग के पैसे लेते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा उनसे आगे आना है और एकदम ये वाला जो है लोकेशन यहाँ पर आना, आपको सबसे लास्ट में जहाँ गुरु शिखर मंदिर है वहाँ पर फ्री पार्किंग है, आप गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हो, मैंने भी यहाँ खड़ी कर दिया और फिर यहाँ से आप ऊपर मंदिर की तरफ जा सकते हो। हाँ चाय फिर है पूरे ऊपर लोकल मार्केट है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। ये श्री गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, गुरु जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और अंदर है जो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं आपको अंदर से नहीं बता पाऊँगा। और ये पूरा व्यू है मेन टॉप पॉइंट से। ये शायद विज्ञान अनुसंधान केंद्र है तो वहाँ पर आम पब्लिक को एंट्री नहीं है, उसके बाद में रोड समाप्त हो जाती है। ये गुरु शिखर का मेन टॉप है। ये गुरु शिखर का घंटा है। और कुछ कहना चाहेंगे? और तो ये ले जाना है। तो हमने गुरु शिखर का घंटा बजा दिया है और अभी हम जाएंगे और भी जहाँ घूमने लायक जगह होगा। और विराज जो राम राम मोहन जो नाराज हो यो कहीं नाराज होगा लो ऊपर ही खाओ लो लो आ लो आ ले रहो ऊपर ही। तो फाइनली हमारा मूड हुआ है कि नक्की जेल में बोटिंग करेंगे तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं। गाड़ी को कर दिया वहाँ पीछे पार्क, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने गाड़ी को पीछे पार्क किया है
और इस साइड में है नक्की झील, तो वहाँ पे वोटिंग वगैरह करेंगे, देखेंगे क्या कुछ माहौल बनता है। नक्की झील का ये नज़ारा है। सर्दियों के टाइम में तो ये झील पूरी जम जाती है, बर्फ़ हो जाता है, तो उस टाइम वोटिंग नहीं होती है, लेकिन अभी अच्छा है मौसम तो वोटिंग चालू है। ये है नक्की झील और पानी की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, आसपास में कोई साफ सफाई सही नहीं है, इस वजह से हमने वोटिंग करनी कैंसिल कर दी है। पानी बहुत ही गंदा है, बदबू आ रही है। आने जाने वाले गाड़ियों वाले इनको कुछ बिस्किट फ्रूट्स वगैरह देते रहते हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं आज, तो सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे कि हम आपके लिए कुछ लेके नहीं आए। और अभिराज जो जवालडा मौन जो ठीक सा टाटा।